अच्छा, ये थोड़ी देर बाद इसको जो है थोड़ा बहुत चलाना भी पड़ता है, चलाना पड़ता है कि ये सारे पानी जितने स्टाइल है। बाबा जी पिशोर, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजा रमान और आप देख रहे हैं मान ट्रैवल फूड। आज बड़े अच्छे के बाद जो है दोस्तों के साथ ये गैदरिंग बनी है। हम आए हैं मुंडा जो हेडवर्क्स है या मुंडा का जो मतलब दरिया है वहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर कुकिंग भी अपनी कर रहे हैं, कुछ दोस्त हैं कुकिंग में मसरूफ़ हैं, कुछ नहाने में मसरूफ़ हैं आपने जिस तरह देखा है, और कुछ है ना मेरी तरह हैं जो दूसरों को देख कर जो है ना खुश होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम दा सिंह, अच्छा सदी रोजी का सिंह दा, ये जो है ना मतलब एक चरसदा के जो ट्रेडिशनल चावल है, मोटे चावल जैसे कहते हैं, ये अगर आप मतलब ये के साथ में कुछ भी ना लाएं तो आपको कम से कम ये चरसदा के चावल यहाँ पर तैयार मिलेंगे। देर मंदन है जी रवानी, और ये छोटा सा हट बना हुआ है, इस हट में ही जो है ना ये मतलब एक नीचे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है ना लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं और साथ में जो है ना ये भुट्टे जो है ना जो उबले हुए हैं ये रखें, इसके साथ जो है ना ये लीमू और ये जो है ना ये मसाले वगैरह डाल लेते हैं, ये पानी में ही इसको उबालते हैं। ये जी माशाल्लाह, मेहरबानी जी मेहरबान। हमने अपने लिए भी एक भुट्टा ले लिया, बिल्कुल जो है ना एक ऑर्गेनिक है, उबला हुआ है, पानी में उबालते हैं ये। इसमें अगर आपके साथ मतलब आपको अगर स्पाइसी चाहिए, ये लीमू है और इसमें जो है ना ये मतलब है कि उन्होंने मसाला वगैरह बनाया हुआ है चूरन सा, जिसमें लाल मिर्च वगैरह और ये जो नमक वगैरह है ये वो करते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल ही पसंद है तो इसलिए मैं सिंपल ही खा रहा हूँ। तकरी जो दे लो क्या फ्रेश हो, हमारे जवान जो है ये अभी पानी से निकल आए, हमारी जो मछली है और ये पता नहीं अभी आगे कहाँ जा रही है। बाबू साहब से आने वाच वाच पहले इसमें जो है ना पहले इसमें बटर डाला है मक्खन, फिर उसके साथ घी, उसके बाद ये चिकन डाला है इसमें। ये अभी हमने तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए दम पे रखा था और अभी ये देखिए काफ़ी जो है ना वो चिकन वगैरह गल चुका है और ये सही उबल रहा है, और अभी इसमें जो है ना ये फर्दर मसाले डाल रहे हैं मुनीर भाई। 250 ग्राम चना साल्ट है, चना साल्ट, चना साल्ट, ये चना साल्ट तो मना नहीं है, नहीं है मना जी इस पे नहीं है, इसमें ये 100 ग्राम जीरा है, 100 ग्राम जीरा, तकरीबन 200 ग्राम वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च, 200 ग्राम है ना वाइट पेपर आ गया, 100 ग्राम काली मिर्च, 200 ग्राम काली मिर्च, 150 ग्राम के लगभग गर्म मसाला, ये 150 ग्राम गर्म मसाला पिसा हुआ, सारी चीज़ें पिसी हुई इसमें, धनिया पाउडर 300 ग्राम, धनिया पाउडर 300 ग्राम, मेन चीज़ इसमें यही है, सही माशाल्लाह। और अब ये सब हो गया मिक्स, इसमें अभी नमक डालेगा इसकी ज़रूरत, तकरीबन 100 से 150 ग्राम, क्योंकि इसमें अपना भी जायका होता है। अब इसका कलर चेंज हो गया, ये कितनी देर पकाएंगे अभी मज़ीद? कम से कम आधा घंटा, तो ये आधा घंटा इस तरह खुला रहेगा, खुला रहेगा कि ये पानी सुखा दे, एक्स्ट्रा पानी इसमें से वो एवेपोरेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा बहुत चलाना भी पड़ता है, चलाना पड़ता है कि ये लगता तो नहीं है लेकिन मसाला नीचे जो है ना वो लग जाता है। फिलहाल 2 डब्बे क्रीम डाल रहे हैं, टोटल इसमें 10 से 12 डब्बे डालेंगे, 15 किलो में, 15 किलो में मतलब 1 किलो पे 1 डब्बा तकरीबन, तकरीबन अब ये तो हम 2 डब्बे डाल लेंगे, बोनलेस चिकन अगर हो तो उसमें 1 क्रीम का डब्बा चाहिए, 1 क्रीम का डब्बा चाहिए तकरीबन, थोड़ा कम हो तो ठीक है वरना मतलब 1 भी हो तो ठीक है। ये जी क्रीम, इसके थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा इसके साथ, बाकी भी इसमें टेस्ट आ जाएगा ना, इसमें बाकी भी 10 बॉक्स और भी डालेंगे,
ये हवा जो है ना बहुत ज़बरदस्त चल रही है, मिक्स कर रहे हैं। पानी मेरे ख्याल इसमें काफ़ी कम हो गया, बहुत कम हो गया, इसमें सिर्फ ऑयल और मक्खन रह गया, घी और मक्खन। अभी इसमें प्याज और दही की जो हमने ग्रेवी बनाई है वो डालेंगे। अच्छा माशाल्लाह, इसमें सात किलो दही और 6 किलो प्याज, मतलब जितना गोश्त उतना जो है ना उसके आफ, दही उसके आफ, दही और प्याज उसका मिक्सचर। मछली के साथ 6 किलो तकरीबन 15 किलो चिकन है, तो साथ में 13 किलो ये जो है ना मिक्सचर भी हो गया, 13 किलो मिक्सचर है। बाल्टी के बाल्टी किसे घड़ी रही है? बाल्टी किसे रही? फिकर है बाल्टी किसे छू ली रही? फिकर चिकन जो गोटी थी वो मेरे ख्याल काफी गर्म थी, इसने वहाँ पर बाल्टी पड़ी थी वो बाल्टी में ही डाल ली। मुनीर भाई ये फर्दर बलाई तैयार कर रहे हैं? ये तैयार कर रही है जनाब, ये अभी इसमें और बलाई डाल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट डिश तैयार हो चुकी है लेकिन फर्दर ये जायके के लिए इसमें और बलाई डाल रहे हैं। गार्निश में जो है ना ये धनिया है, अदरक है और लहसुन है, और लहसुन के पीसेस को जो है ना बारीक कटा है। तो अब ये सर्विंग के लिए तैयार है तकरीबन, बस रेडी है, दम पर पड़ा हुआ है, बस ये दम के लिए पड़ा है। सही, आग इसके अभी थोड़ी कम कर दी है। थोड़ा सा हल्का हिलाना कि ये नीचे से लग ना जाए, अब इसका लगने का खतरा होता है इस टाइम पर। कलर आ गया इसका, देख लें ऑयल जब ऊपर आ जाए तो इसका बस तैयार है, बिल्कुल कलर इसका फाइनल हो गया। ये सारे जो है ना अभी मच्छियों के खाना तैयार हो गया, तो सारे जो है ना पानी से निकल आए, बंदी हो गई है। ये डिश हमारी तैयार हो गई है जी, और ये सर्विंग शुरू हो गई। ये सब हमारे भाई हैं, ये सर्फिंग के लिए तैयार है। ये है वर्क का।